काव्य पाठ के माध्यम से सबको गुदगुदाते रहते हैं, और ऐसे तमाम मेरे जितने भी कविगण वो सभी आज अपने काव्य के परेशानी हमारे मन में करने का काम आज इस कवि गण हमारे इस काव्य करेंगे। मुझे याद है जैसे कि मैं पिछले 5 अगस्त को भी था, और जब वो बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ था वृक्षारोपण का, और चंदन और तमाम सुंदर पौधारोपण करके, और आपके तमाम उन दिव्यांग साथियों के साथ मुझे एक अवसर मिला था कि मैं उनके साथ वृक्षारोपण कर सकूं, और उस समय मुझे वो भी क्षण याद है क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन बना था कि जब 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय लोकसभा से माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने किया था, और उसके बाद से लगातार मुझे तो याद आता है कि आपका जो संस्थान है वास्तव में बहुत ही मेरे लिए सुखदायी रहा, ऐतिहासिक रहा। मैं ऐसे टाइम पे आप सभी को बहुत बधाई दे रहा हूं, और जितने भी हमारे लोग हैं, खासकर मेरी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, कोरोना के संकट से जिस प्रकार से उस चुनौती से निपट रही है, मैं कह सकता हूं कि अपने देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो हम सभी के अभिभावक भी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इसे कोरोना जैसी समस्या से निपटने के लिए बहुत समय से सही समय पर निर्णय लिया, और जिस प्रकार से लॉकडाउन और उससे पहले जनता कर्फ्यू जैसे काम करके उन्होंने हमारे देश को इस महामारी के अंदर बहुत बड़े नुकसान से हमें बचाया। मैं कह सकता हूं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप भी और मैं भी और हम सभी लोग इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क और हाथ बार बार धोना ही हम करें तो शायद इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं। मेरा फिर से आप सभी को बहुत धन्यवाद देते हुए, कवि जितने यहाँ पहुंचे हैं कविगणों को मेरा प्रणाम, उनको मेरा अभिनंदन, और निश्चित रूप से वो अपने जिस प्रकार से अंधेरे को रोशनी दिखाने का काम सूर्यदेव करते हैं, वैसे ही कवि महोदय जो यहाँ बैठे हैं कहते हैं कि जहां ना रवि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ऐसे कविगण जो यहाँ आए हैं वो निश्चित रूप से इस कोरोना जैसी संकट से और उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, और इसी प्रकार के कार्यक्रम आपके माध्यम से और भी स्थानों पे और भी समय पे होंगे। मेरा पुनः आपको बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है, चंदन है, और साथ में संस्थान के तमाम निदेशक महोदय और तमाम कर्मचारी अधिकारी गणों को भी, और उपस्थित जितने श्रोतागण इससे जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, और हम सब लोग इन संकटों के दौर से सावधानी जिसका एकमात्र उपाय है जरूर करेंगे, और आखिर में सरकार चाहे हमारे माननीय प्रदेश की हो चाहे हमारे केंद्र की हो, मैं इनका भी अभिवादन कर रहा हूँ, और हम सभी लोग सतर्कता बरतेंगे, और एक अंत में बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, रोग से लड़ो रोगी से नहीं। आखिर में आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आपका सुंदर उद्बोधन से प्रेरणा मिली हम सबको। आप हमारे संरक्षक के रूप में हमारे संस्थान का इतना ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से, आपके शुभारंभ से हम सभी कवियों में नया जोश और उमंग भर आई है, और ये कोरोना जैसी महाबीमारी में हम संकट से जूझ रहे हैं लेकिन हंसते हुए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके साथ ही अपने निदेशक महोदय का भी धन्यवाद करूंगा, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में परेशान हर शख्स को इबादत बड़ा जून देती है। हर फल हर पेड़ फल दें ये जरूरी तो नहीं, किसी पेड़ की छाया भी बहुत सुकून देती है। निदेशक महोदय और हमारे अध्यक्ष जी का जो संरक्षण और उनकी जो छाया हम सबको मिल रही है, इससे संस्थान निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संस्थान के निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माता सरस्वती की ओर जा रहे हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमम आद्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम ज्ञाद्यान जकारापहम हस्ते इस पाठिका मालिकाम विद्यतिम पुद पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदाम शारदाम, शक्ति प्रदाम शारदाम। माँ सरस्वती की आराधना के लिए मैं कवित्री
सुश्री कविता बिष्ट को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया लिंक से जुड़े और माँ सरस्वती की आराधना करने की कृपा करें। अब हो जाएगा तो जी, धन्यवाद सर जी, सर जी थैंक यू, धन्यवाद सर। कविता जी दो तीन चाय इधर भिजवा देना सामने है। कविता जी कृपया जुड़ने का प्रयास करें, लिंक लाइन पर हैं, हम पुष्प गुरु से उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प कली से उनका स्वागत कर रहे हैं। कविता जी कृपया जी, जय माँ शारदे, मैं माँ जी को नमन करती हूँ और मंच के सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को एवं गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय योगेश अग्रवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके शुभ अवसर प्रदान किया है। और आज के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय एवं सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आपकी आवाज साफ आ रही है, कविता जी बोलते रहिए। हाँ जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और मैं माँ के श्री चरणों में अपनी दो पंक्तियां रखना चाहूंगी। हे माँ, तेरा स्मरण मात्र ही एक अद्भुत छंद है। हे माँ, तेरा स्मरण मात्र ही एक अद्भुत छंद है। जग में उज्जवल नाम तेरा, ना आदि ना अंत है, ना आदि ना अंत है। मैं माँ का आवाहन करती हूँ और आप सभी के समक्ष में माँ को, माँ की प्रतिमा भी यहाँ पर उपस्थित और हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। और मैं माँ के श्री चरणों में अपनी वंदना को निवेदित करती हूँ, आप लोगों का स्वागत करते हुए। जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे। सकल विद्या स्वामिनी तुम सर्व शास्त्र विशारिदे,
जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, दुलत कुंडल श्रुति युगल में, दुलत कुंडल श्रुति युगल में, शुभ्रि मोती की माली गले में, शुभ्रोती की माली गले में, शीश रत्न किरीट राजित निखिल जग उजियारी दे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, देवी भगवती वेद मूर्ति, देवी भगवती वेद मूर्ति, हो प्रसन्ना प्रणव जन प्रति, हो प्रसन्ना प्रणव जन पति, नाशी करी जड़ी मति, सुधि बुद्धि विचारी दे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, दिग दिगंत बसंत जागृत, दिग दिगंत बसंत जागृत, हृदय कानन आज मुकलित, हृदय कानन आज मुकलित, दिव्य वीणा कर सुझंकृत, जननी मोर विसारी दे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, सकल विद्या स्वामिनी तुम्हें सर्वशास्त्र विसारदे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे, जय सरस्वती शारदे। हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद माँ सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पुत्री कविता बिष्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चंद्रवीर सिंह सरोजनी जी को सुनेंगे जो दिल्ली से हैं, लेकिन उससे पहले मैं कवियों का परिचय बता दूं कि आज के इस ई कवि गोष्ठी में कोरोना कवि और कविता में हमारे बीच में दो कवि बाहर से हैं, श्री चंद्रवीर सिंह जी जो कि दिल्ली से हैं, एक श्री अनिल शर्मा बिजनौर से हैं। इसके अतिरिक्त एक महिला कवि के रूप में कविता बिष्ट हमारे बीच में है। इसके अतिरिक्त चार हमारे दृष्टि दिव्यांगजन कवि हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चंद्रवीर सिंह जी, आरपी सिंह जी, जितेंद्र डिमरी और राजकुमार सोनी जी, साथ ही देवगी मुखिया श्री रोशनलाल अग्रवाल जी, और ऐसी आवाज श्रीकांत श्री जो कि अनेक मंचों के साथ आ चुके हैं, राष्ट्रीय मंच बढ़ा चुके हैं, श्रीकांत श्री, गीतकार श्री विष्णु सक्सेना जी के प्रिय शिष्य श्री सतीश कुमार बंसल, उसके साथ ही श्री पीयूष निगम, ये हमारे बीच में आज काव्य पाठ करेंगे। मैं इन सभी का स्वागत करते हुए साथ साथ संस्थान के श्री सत्येंद्र शर्मा, श्री नरेश सिंह नियाल और श्री आरपी सिंह जी हमारे बीच में कविता पढ़ेंगे। मैं योगेश अग्रवाल एक बार पुनः पुष्पगुच्छ पुष्पकली दे करके आपका स्वागत कर रहा हूँ सभी कलियों को, सांकेतिक रूप से ये अनुरोध करते हुए कि ये रोज की कली, ये रोज उनके लिए है जो मिलते नहीं है रोज रोज पर याद आते हैं हर रोज, ऐसे कवियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ उस मधुर आवाज को जो जिसका नाम है चंद्रवीर सिंह सरोजनी, दृष्टि दिव्यांग है, दिल्ली से हमारे बीच में काव्य पाठ के लिए आ रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं, पहले भी हमारे बीच में आयोजन में आ चुके हैं, मधुर वाणी के साथ
जोरदार स्वागत अभिनंदन श्री चंद्रवीर सिंह सैनी जी। चंद्रवीर सिंह जी सत्येंद्र चारिते माँ दुख में तुझको आदरणीय मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और तमाम बड़े बड़े सचिव पवार जी जैसे कभी आदरणीय राजपाल जी हमारे प्रेरक यहाँ पर हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ कोरोना पर कुछ पढ़ूंगा, उससे पहले अपने समाज की ओर से और जो समर्थ समाज है उसके नाम एक संदेश देता हूँ, सुने चार पंक्तियों में। राह में साजिशों के साए हैं, हौसलों के दिए जलाए हैं, फूल बेशक हैं हम मगर सुन लो, फूल बेशक हैं हम मगर सुन लो, कांटों से हम निकल के आए हैं, कांटों से हम निकल के आए हैं। अब एक दोहा देखिएगा, कैसी घोर विडंबना पुत्र उछाले जाम, कैसी घोर विडंबना पुत्र उछाले जाम, हम बेटी से पूछते कहाँ गुजारी शाम रे भैया, कहाँ गुजारी शाम। धन्यवाद। अब एक कविता से पहले एक मुक्तक और देख लीजिए, एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा उससे पहले एक मुक्तक देखें। कोरोना का कहर है कंस मानव को डराता है, अंधेरा स्वप्न में मानो प्रभाकर को डराता है, कोरोना का कहर है कंस मानव को डराता है, अंधेरा स्वप्न में मानो प्रभाकर को डराता है, मनुज ने सीख ली तब से तू बंधन की कला, सुन लो उदाहरण देके बताता हूँ। मनुज ने सीख ली तब से तू बंधन की कला, सुन लो किया सीता हरण जब राम को रावण डराता है, किया सीता हरण जब राम को रावण डराता है। बीच में थोड़ा अच्छा लगा बुरा लगा थोड़ा कहते रहिए ताकि पता लगे कि सब लोग आ जा रहे। सुने एक कविता, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता सुनिएगा, छोटी सी एक कविता पढ़ता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
आज फिर मेरा निराशा से छिड़ा संग्राम है, आज फिर मेरा निराशा से छिड़ा संग्राम है, हृदय सागर में सुनामी उठ रहा तूफान है, शारदे कर दे कृपा मुझको नवल उत्साह दे, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है। आज फिर मेरा निराशा से छिड़ा संग्राम है, हृदय सागर में सुनामी उठ रहा तूफान है, शारदे कर दे कृपा मुझको नवल उत्साह दे, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है। ये कोरोना का भयानक भूत चारों ओर है, आदमी से आदमी की दूरियों का दौर है, ये कोरोना का भयानक भूत चारों ओर है, आदमी से आदमी की दूरियों का दौर है, कीट से हैं भीत लेकिन हार हम सकते नहीं, देख लो ये चल रहा जीवन समर सब ठौर है, देख लो ये चल रहा जीवन समर सब ठौर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये कोरोना का भयानक भूत चारों ओर है, आदमी से आदमी की दूरियों का दौर है, कीट से है भीत लेकिन हार हम सकते नहीं, देख लो ये चल रहा जीवन समर सब ठौर है। निज हृदय आकाश में विश्वास का सूरज उगा, और इस संघर्ष की क्षमता बढ़ा आशा जगा, निज हृदय आकाश में विश्वास का सूरज उगा, और इस संघर्ष की क्षमता बढ़ा आशा जगा, इस पतन से लड़ प्रतीक्षा कर रहा उत्थान है, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है, इस पतन से लड़ प्रतीक्षा कर रहा उत्थान है, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है। अंतिम बंद पढ़ता हूं, है चुनौती पूर्ण पल संकट विकट घन घोर है, पर मनुजता की परीक्षा के लिए यह घोर है चुनौती पूर्ण पल संकट विकट घन घोर है, पर मनुजता की परीक्षा के लिए यह भोर है, और भोर कैसे बन सकती है, पर मनुजता की परीक्षा के लिए यह भोर है, उस जरूरतमंद का बनकर सहारा हम जिए, जूझता पर श्रमिक वर्ग विकास के उस छोर है, है चुनौती पूर्ण पल संकट विकट घन घोर है, पर मनुजता की परीक्षा के लिए यह घोर है, उस जरूरतमंद का बनकर सहारा हम जिए, जूझता पर श्रमिक वर्ग विकास के उस छोर है, छोड़ घबराहट उठे नूतन सृजन का भार लें, आदमी की भावनाओं का सहज आभार लें, छोड़ घबराहट उठे नूतन सृजन का भार लें, आदमी की भावनाओं का सहज आभार लें, दुख के दुर्दांत पर्वत पर चढ़े आह्वान है, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है, माँ छुपा मुझ में, माँ जगा मुझ में छुपा जो ज्ञान है विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं
धन्यवाद सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। कवि कविता और कोरोना विषय पर संस्थान द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। ध्यान चाहूंगा, खतरा अभी नहीं टला है, सावधान रह चलो संभल, आज सुरक्षित रहे अगर तो तभी देख पाएंगे कल। खतरा अभी नहीं टला है, खतरा अभी नहीं टला है, सावधान रह चलो संभल, आज सुरक्षित रहे अगर तो तभी देख पाएंगे कल। खुले बाजार भीड़ भाड़ से खूब दिख रही है रौनक, खुले बाजार भीड़ भाड़ से खूब दिख रही है रौनक, भीड़ भाड़ और लापरवाही ये घातक होगी बेशक, संक्रमण को देगी बढ़ावा, संक्रमण को देगी बढ़ावा, ये सुरक्षित चहल पहल, आज सुरक्षित रहे अगर तो तभी देख पाएंगे कल। और क्या सुरक्षा के लिए हमें सावधानियां रखनी है कि सभी के मुंह पर मास्क लगा हो दिखता नहीं बाजारों में, सभी के मुंह पर मास्क लगा हो दिखता नहीं बाजारों में, होगी कैसे फिजिकल दूरी जुट रही भीड़ हजारों में, ऐसे सुरक्षित रहोगे कैसे, ऐसे सुरक्षित रहोगे कैसे, मत करिए खुद से ही छल, खतरा अभी नहीं टला है, सावधान रह चलो संभल, कि स्वयं सुरक्षा करनी अपनी ये खुद की ही जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि कोरोना के साथ ही जीना होगा, स्वयं सुरक्षा करनी अपनी ये खुद की ही जिम्मेदारी, ढक रखो मुंह बाहर जाओ कम, एक बार करो खरीदारी, अपनाओ फिजिकल दूरी को, अपनाओ फिजिकल दूरी को, हाथों को सैनिटाइज मल, आज सुरक्षित रहे अगर तो तभी देख पाएंगे कल। और इस गीत का अंतिम पद खंड के खतरे को मत कम आंको, तुम मत बर तो अब लापरवाही, खतरे को मत कम आंको, तुम मत बर तो लापरवाही, घर में रहो सुरक्षित अपने, यूं ना करो आवाजाही, जिसका कोई इलाज नहीं अभी, जिसका कोई इलाज नहीं अभी, बीमारी वो रही टहल, आज सुरक्षित रहे अगर तो तभी देख पाएंगे कल, आज सुरक्षित रहे अगर तो तभी देख पाएंगे कल। मित्रों, 5 मिनट का समय है, अभी दो ढाई मिनट और बचे हैं, मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने और रखना चाहूंगा। मान लीजिए अभी चलेगी कोरोना से लंबी जंग, पीकर आयुष काढ़ा हम लड़ सकते हैं इसके संग, मान लीजिए अभी चलेगी कोरोना से लंबी जंग, पीकर आयुष काढ़ा हम लड़ सकते हैं इसके संग, और किस तरह से अपने जीवन को बनाए कि नित्य प्रति कोरोना अपने पांव पसार रहा भाई, इसके चंगुल में फंस कर कितनों की जान पे बन आई,
बदल रहा इसका स्वरूप और बदल रहा है इसका रंग। पी कर आयुष काढ़ा हम लड़ सकते हैं अब इसके संग। मानव जीवन में कोरोना बड़ी चुनौती बन गया आज, मानव जीवन में कोरोना बड़ी चुनौती बन गया आज। विश्व समूचा ढूंढ रहा जो मिला नहीं कोई इलाज। कार्य सभी चल रहे हैं किंतु मन में नहीं पहले सी उमंग। पीकर आयुष काढ़ा हम लड़ सकते हैं अब इसके संग। इम्यूनिटी बढ़े शरीर की होना कोरोना का असर। इम्यूनिटी बढ़े शरीर की होना कोरोना का असर। इसीलिए तुम आयुष काढ़ा रोज पकाओ अपने घर। स्वयं पियो और सबको पिलाओ इसे पकाने का सीखो ढंग। मान लीजिए अभी चलेगी कोरोना से लंबी जंग। और अंतिम पद खंड दे रहा हूँ। तुलसी पत्र सोठिया अदरक काली मिर्ची और दालचीनी। तुलसी पत्र सोठिया अदरक काली मिर्ची और दालचीनी। इन्हें पकाना पानी में यह बनी दवाई जो पीनी। बना रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षित बीमारी न करेगी तंग। पीकर आयुष काढ़ा हम लड़ सकते हैं इसके संग। पीकर आयुष काढ़ा हम लड़ सकते हैं इसके संग। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, 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 बहुत ब
ऐसे कवि सतीश कुमार हमारे बीच, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा काट लीजिए कुछ और वक्त ऐसे, काट के कुछ और वक्त ऐसे आतन और मित्रों दुनिया छुप जाते हैं बहुत से वक्त की धुन में छुप जाते हैं तो लुक बहुत दिनों तक। मित्रों अब तो हमारी आंख से ना ओझल हुई है, सतीश बंसल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, साथ ही निवेदन कर रहा हूँ हमारे श्री सतीश बंसल गीतकार कवि हमारे बीच में है, मेरा उनसे अनुरोध है श्री सतीश बंसल। सतीश बंसल जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं क्या? सतीश बंसल आपसे अनुरोध है अच्छा पाठ के लिए आप आइए, लिंक से जुड़ जाइए। सतीश बंसल जी जुड़ रहे हैं, नमस्कार। क्या आप नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, हार्दिक स्वागत है माननीय मां शारदा को प्रणाम करता हूं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, संस्थान के महानिदेशक, मेरे सभी कवि मित्रगण, सभी को मेरा अभिवादन निवेदित करता हूं। ज्यादा समय नहीं दूंगा आप सबका, सिर्फ दो तीन मुक्तक मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और क्षमा के साथ मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई है। इसके बाद दो तीन मुक्तक मैं पेश करता हूं। कोरोना पे लेकर लोग बहुत भयभीत हैं, तरह तरह की बातें भी प्रचारित की जा रही हैं, तो मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का आपके सामने पेश करूं कि जिससे कुछ आनंद आए जी। और मैं कोरोना के साइड इफेक्ट आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूं।
सत्येंद्र जी स्वागत है, देखिएगा स्वागत है, स्वागत है। नजदीकियां बढ़ाने को कह रहे थे कल तक, देखिएगा कोरोना के साइड इफेक्ट क्या है, क्या से क्या कर दिया। नजदीकियां बढ़ाने को कह रहे थे कल तक, दिल के करीब आने को कह रहे थे कल तक, अब दूर दूर रहना कहने लगे हैं वे भी। सत्येंद्र जी अब दूर दूर रहना कहने लगे हैं वे भी, जो दूरियां मिटाने को कह रहे थे कल तक, जो दूरियां मिटाने को कह रहे थे कल तक। और ये तो कोरोना के साइड इफेक्ट रहे। एक मुक्तक रखता हूँ, हमारे विश्वास का मुक्तक, हमारी आशाओं का मुक्तक, हमारी परंपराओं का मुक्तक। देखिएगा, बीमारियां सताएं या कष्ट दे जमाना। योगेश जी और कविता जी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना सुनाई, मैं उनको बधाई देता हूँ इसके लिए। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ आपका बहुत अच्छा उत्तर मिला, बढ़िया कर दिया। बीमारियां सताएं या कष्ट दे जमाना, है आदतों में शामिल डट कर नजर मिलाना, बीमारियां सताएं या कष्ट दे जमाना, है आदतों में शामिल डट कर नजर मिलाना, हम सत्य के पुजारी संतों के वंशजों ने, हम सत्य के पुजारी संतों के वंशजों ने, सीखा नहीं है डर के पीछे कदम हटाना, सीखा नहीं है डर के पीछे कदम हटाना। और बस एक क्षण पटल को सौंप के और आपसे विदा की अनुमति चाहूंगा, एक क्षण सौंपता हूँ और विदा की अनुमति चाहता हूँ। कद पद पे घुमाने कीजिए न अभिमान, कामयाबियों को धन से न कभी तोलिए। बहुत सुंदर। कद पद पे घुमाने कीजिए न अभिमान, कामयाबियों को धन से न कभी तोलिए। जी कद पद पे घुमाने कीजिए न अभिमान, मातृभूमि से अपार आपको है यदि प्यार, धर्म जातियों के नाम भूलिए। मातृभूमि से अपार आपको है यदि प्यार, धर्म जातियों के नाम विश्व मत भूलिए। धर्म जातियों के नाम विश्व मत भूलिए, धर्म जातियों के नाम विश्व मत भूलिए। आदरणीय अग्रवाल साहब और समस्त टीम का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया। और श्रीकांत भाई आ गए हैं पटल पे, उनका स्वागत, आप सबका स्वागत, पुनः धन्यवाद। और मैं क्षमा के साथ पटल से मुझे विदा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और ऑफिस में हूँ इस वक्त, और अचानक मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शेड्यूल हो गई है, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और
जितेंद्र जी मेरी आवाज कैसे सुनिए आप? जितेंद्र डिब्री जी, जितेंद्र जी आप लिंक से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जितेंद्र डिब्री जी, जितेंद्र डिब्री जी जब तक लिंक पर आए, मैं हास्य और व्यंग्य के कवि जो कि हरियाणवी भाषा में कमाल करते हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि काव्य पाठ करें। जितेंद्र डिब्री आवाज आ रही सर? शुरू कीजिए। आवाज आ रही सर मेरी? आवाज आ रही है, काव्य पाठ कीजिए। बिल्कुल शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं मोबाइल को अपने चेहरे माँ शारदे को नमन करता हूँ, स्वागत है आपका। मंच को नमन करता हूं और निदेशक महोदय को मेरा प्रणाम, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं योगेश अग्रवाल सर का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया, और अपने NIEPVT के सभी प्रबुद्ध व गुणीजनों को और सभी कवियों को मेरा प्रणाम। आज इस कोरोना के काल में मैं अपनी एक स्वरचित मौलिक रचना आप सबके समक्ष प्रेषित कर रहा हूं, सभी कवियों और सभी गुणीजनों व आप सब श्रोताओं के समक्ष। इससे पहले मैं अपनी छोटी शुरू करता हूं अपनी जो कोरोना पर मैंने कवि लिखी है उसको मैं आरंभ करता हूं। ये विशेष कर इंसान जो इंसान से इंसानियत मिट रही है इस कोरोना के काल में, उस पर मेरा विशेष ध्यान है जी। ऐसी भी क्या है मजबूरी, ऐसी भी क्या है मजबूरी, हो रही है जो इंसान की इंसानियत से दूरी, बस देह से देह की दूरी की बात है भाई, बस देह से देह की दूरी की बात है भाई, पर अब तो ऐसा लगता है कहीं बढ़ ना जाए इंसान की इंसानियत से दूरी। बहुत सुंदर। ये कोरोना के भेष में, ये कोरोना के भेष में नन्हा सा जीव है आया, इंसान से इंसानियत की दूरी का संदेशा लाया, इंसान से इंसान की दूरी का संदेशा लाया। पर हे नादा इंसान, तू इंसान की इंसानियत को छोड़ चला है, तू तो जिंदा रह जाएगा, तेरी इंसानियत मर जाएगी, इसमें तेरा कहां भला है। बहुत बढ़िया। इसमें तेरा कहां भला है। हे इंसान तू अपने पावन उर को पहचान, हे इंसान तू अपने पावन उर को पहचान, तेरे भीतर अमृत की गंगा बहती है, तेरे भीतर गंगा बहती है, तू उस गंगा को जान, फिर चाहे कर लेना अपनी सारी इच्छाएं पूरी, ऐसी भी क्या है मजबूरी, जो हो रही है इंसान की इंसानियत से दूरी। कविता आपका ध्यान चाहूंगा आगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी इंसान पर संकट आए हैं इंसान के भीतर इंसानियत जिंदा है, हम हर संकट से बच पाए हैं इंसान की इंसानियत हम जिंदा रखें, फिर
इंसान की इंसानियत हम जिंदा रखे फिर ये नन्हा सा जीव हमारा क्या कर पाएगा। ये इंसान की इंसानियत, ये इंसान की इंसानियत को क्या छल पाएगा, ये इंसान की इंसानियत को क्या छल पाएगा। हम आपस में तालमेल से, हम आपस में तालमेल से भाईचारे की प्रेम बेल को सींच सके तो ये संकट भी टल जाएगा, ये संकट भी टल जाएगा। चाहे इंसान की इंसानियत, चाहे इंसान की इंसानियत पर लाख मुसीबत आए पर ये नन्ना सा जीव इंसान की इंसानियत को डिगा न पाएगा। फिर हो जाएगी हमारी हर कोशिश पूरी, ऐसी भी क्या है मजबूरी, हो रही है जो इंसान की इंसान से दूरी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जीतेन जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब समुद्र तूफान है, घर में दरार है, फिर भी आरोग्य से आप एक श्रीमान है, आप एक श्रीमान है, मैं एक श्रीमान, कम से कम श्रीमान है। धन्यवाद आदरणीय योगेश जी, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कोरोना के टाइम में भी आपने सृजनात्मक कुछ किया जाए ऐसा एक विचार करके आपने कार्य किया है, क्योंकि आप लगभग पूरे उत्तराखंड में आपने 122 बार रक्तदान करके भी आपने एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको भी इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कुछ कोरोना के बारे में थोड़ी सी, चूंकि हमने इसमें से भी हास्य निकाला है, कोरोना मारा के बिगाड़ेगा, कोरोना मारा के बिगाड़ेगा, हमने तो इसको भी मात दियो है। अरे हमारे यहाँ तो यमराज भी कभी आया तो उसको भी वापस करे हो। तो योगेश जी, हर दर्द की दवा नहीं है दवा खाने में, हर दर्द की दवा नहीं है दवा खाने में, लेकिन ये भी सच है बहुत से दर्द दूर हो जाते हैं जरा सा हंसने और धन्यवाद। अब देखिए कोरोना का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है, हमारे लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है, बहुत सी चीजों में बड़ा परिवर्तन भी आ गया है। ब्याह शादियों में कभी वरमाला के टाइम गीत गाया जाता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आज के परिवेश में क्या हो गया गाना कि बहारो सैनिटाइजर बरसाओ, बाहरों सैनिटाइजर बरसाओ कि मेरा महबूब आया है, अरे लोगों डिस्टेंसिंग अपनाओ मेरा महबूब आया है। ऐसी विदाई के समय हमारे यहाँ जो गीत गाया जाता था, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले, और आज के परिवेश में क्या गीत बन गया है कोरोना के इसमें कि बाबुल की दुआएं लेती जा या तुझको कोरोना मुक्त परिवार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको कोरोना मुक्त परिवार मिले, माइक की कभी याद ना आए सुबह उठ नहीं तुझे आयुष काढ़े वाली चाय मिले। ये बहुत अच्छे लॉकडाउन में
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ये समर्पित कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। जहाँ देश में हमने पुलिस का एक दूसरा रूप देखा था, यही हमने अपने उत्तराखंड में उसका एक देवतुल्य रूप देखा है। लेकिन मैं दूसरे प्रदेश को लेकर एक चार लाइनें कहना चाह रहा हूँ। योगेश जी ध्यान दीजिए, लॉकडाउन पीरियड में पुलिस वाला जी डॉक्टर का काम कर रहे लॉकडाउन पीरियड में हमारा पुलिस वाला डॉक्टर का काम कर रहा था। वर्षों से भिखारी अब्दुल जो अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठे भीख मांग रहे था, कर्फ्यू का उल्लंघन करने पे जैसी पुलिस वाले ने उस पे डंडे बरसाए, वो आज देख कर क्या कि भागा छोड़े जा रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कारनाम होता है कारनामा। अब मैं चार पंक्तियां कुछ और रख रहा हूँ। कोरोना की इस आपदा में कुछ शब्दों के भी अर्थ बदल गयो है। जो शब्द पहले स्थगन समझे जाते थे, आज उन्हीं शब्दों को अब सगुन समझो जा रहे हो। दो दिन पहले ही क्षमा कीजिए, अब जिन शब्दों को हम सगुन समझते थे, आज उन्हीं शब्दों को अब सगुन समझो जा रहे है। पहले छींक आती थी तो ये समझा जाता था कि घर में कोई मेहमान आ रहे है, और आज दो दिन पहले जब मेरे ते छींक आई घर में कोहरम मच गयो, और ये अब ये समझ जा रहा है कि रोशन लाल का यमराज से बुलावा आ रही हो। ऐसे ही कुछ एक लोग के इसमें थोड़ी चार पंक्तियां और रख रहा हूँ समय की मर्यादा को देखते हुए। वरमाला के टाइम चारों तरफ रौनक मेलो लग रहा था, डीजे पे एक गाना बज रहा था, मुन्नी बदनाम ही डार्लिंग तेरे लिए, और औरतें और मर्द सारे का सारा डांस कर रहे हो। वहीं मंच पे दूल्हे के साथ एक आदमी भी ठुमके मार रहा था, और साथ में कभी 100 की कभी 500 रुपए की नोटों की गट्टी को ऊपर उछाल रहा था। यह दृश्य देख के दूल्हे का बाप उसके पास आयो, बोले भाई साहब हमने थारे के पहचानो ना, तुम घराती हैं या बराती हैं। उसका उत्तर सुन के सारा का सारा उस माहौल में सन्नाटा छा गयो, और दूल्हा तो पछाड़ पा के गिर गयो। वो बोलियो रे मैं ना तो घराती हूँ ना भराती हूँ, मैं तो जमाती हूँ। अंतिम पंक्तियां योगेश जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। बहुत सुंदर वाह। हम जानते हैं कि कोरोना कैसे आज संपर्क के मैन टू मैन फैल रहा है, उसी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं। आइसोलेशन वार्ड कोरोना पीड़ित मरीज की हालत देख के ये सोच के ये उसका अंतिम समय है, डॉक्टरों ने परस्पर सलाह मशवरा करके ये सोच के कि अब इसका अंतिम टाइम है, कुछ पुण्य को काम करना चाहिए, अरे इसकी अंतिम इच्छा जो भी है उसको पूरी कर देनी चाहिए। डॉक्टर बोला रहे रोशन लाल बता, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो, खानों को कोई जी करता हो, क्या किसी से बात करने को जी करते हो, हमको बता दीजिए। पेशेंट बोलो योगेश जी ना तो मैं किसी से बात करना चाहूँ ना किसी कोई चीज खाने चाहूँ, बस मेरी एक ही इच्छा पूरी तीर्थ कर दीजिए, मैं श्रीकांत का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मुझे उसके गले में मिलवा दीजिए। बहुत बढ़िया,
बहुत सुंदर हास्य में मजा आ गया, बहुत बधाई। अगले कवि के इससे पहले मैं श्री आरती सिंह जी को तैयार करूंगा कि वो जो मेरे निहा में बहुत ही नए कवि है और बड़ी बात यह है नहीं रचना प्रतिदिन कोई ना कोई नहीं रचना बन जाती है जो की बहुत सुबह है पर जाती है मेरा हाथ है स्वागत स्वागत सत्य जी को नमन करता हूँ, मुख्य अतिथि महोदय को प्रणाम करता हूँ, उनके राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान के निदेशक महोदय श्री नचिकेता राहुल जी का आभारी हूँ कि ये ई कवि गोष्ठी का आयोजन किया आपने, संचालक महोदय का आभार और सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। और जैसा कि विदित है कि भारतीय संस्कृति में दीप ध्वनि और प्रकाश की शक्ति बहुत महत्व रखती है। 5 अप्रैल 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शक्ति की महत्ता को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर पूरे देश ने दीप ध्वनि और प्रकाश को जो अलग जगाई उसी पर मेरी पंक्तियां हैं, उस चित्रण कर रहा हूं अपनी कविता के माध्यम से आप सबकी शुभकामनाओं के साथ। तो निवेदित करता हूं, दीप जले शंख बजे धरा प्रकाश नाद उठे, दीप जले शंख बजे धरा प्रकाश नाद से सजे, बहुत हुआ बहुत सुंदर बहुत बढ़िया अनेक दीप लेकर माला भारत दिखाते हैं, भारत में जीते मेरे कोरोना परिचय करते में कोरोना से जले शंख बजे सजे दीपों से जैसे दीपों से जैसे जीविषा की चिंता का आभास हुआ निर्वाण प्रकाश धरा पर ये जितेंद्र जी अपना माइक बंद कर लीजिए, विश्व में पावन भाव से दीप संत बजे धरा प्रकाश से प्रतीत हुआ मां भारती के माध्यम से उसका मैंने 5 अप्रैल में चित्रण किया और ये 4 पंक्तियां मानव जाति ने प्रत्येक परिस्थिति में विजय प्राप्त की है उसी को संदर्भित करते हुए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ कि उत्साह से भरे कदम मंजिल की ओर बढ़ाएंगे हम, उत्साह से भरे कदम मंजिल की ओर बढ़ाएंगे हम, कोरोना के दुष्कर्म से मन मस्तिष्क से टकराएंगे हम, सफलता कदम चूमे की मिलेगा समाधान निश्चय ही, सफलता कदम चूमे की मिलेगा समाधान निश्चय ही, दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना को अवश्य बताएंगे हम, दृढ़ इच्छा शक्ति से कोरोना को अवश्य बताएंगे हम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। धन्यवाद।
कविता लिखी है, बहुत प्रोफेसर आरती शेट्टी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कविता के लिए, और उसके बाद विश्व लिंग से जुड़ जाए आरती शेट्टी के पास कविता। योगेश भाई साहब, सबको पहले माइक बंद करवाइए, तभी आवाज क्लियर आएगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, सबका माइक बंद करवा दे प्लीज। कृपया अपने अपने माइक प्लीज माइक बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। तुम्हारी आवाज आपका नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आपकी आवाज आ रही आ रही है नहीं, 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 आ रही है। अग्रवाल जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही, सुनाइए आप। हाँ, ओके। या इस कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में, मैं राजपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने निदेशक महोदय को, हमारे अग्रवाल जी, हमारे साथी कवि सत्येंद्र शर्मा जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे लगभग 42 साल बाद फिर से कविता लिखने की प्रेरणा दी है। अब क्योंकि मैं 42 साल बाद लिख रहा हूं, तो कविता में शायद वो मजा तो ना आए, लेकिन मैंने कोशिश की है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कोरोना संक्रमण काल में मैंने कविता का टाइटल दिया है, शीर्षक है ललकार कोरोना को। मैं इस माध्यम से कोरोना को फटकार लगा रहा हूं कि तू जा भाई यहां से जा। मैंने शुरू इस तरह की है, प्राण जगत में सर्वोत्तम है कृति मानव की तन मन से, प्राण जगत में सर्वोत्तम है कृति मानव की तन मन से, उसकी यह कृति है उसके ही अपने धन प्रण अर्पण से। बड़ी मेहनत की है मनुष्य ने यहां तक पहुंचने के लिए, तन से तन कर सीखा उसने, मनुष्य ने तन से है, तन से तन कर सीखा उसने, मन से मान बढ़ाकर, कोई आपदा डटी कभी मानव के सम्मुख आकर, अनुसंधान किए उसने मानव अस्तित्व बचाया, रहा अडिग अपने श्रम से हर तम से बाहर आया। ये वीरस की कविता है, मैं इसको डांट रहा हूं कोरोना को भाग जाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत। वर्तमान में मानव धर्म को वायरस ने ललकारा है, जहरीली ताकत से उसको दुदकारा और मारा है। अरे कोरोना पात की, तू क्यों है इतना घातकी, जब भी उसको ललकारा है तब मनुज कहां कब हारा है। रे कीटाणु अधम विषैले रोक अपने कदम, ढाएगा कितने सितम, देख मानव कदम कर देगा तुझको खत्म। ये मेरी फटकार लगातार इस कविता के माध्यम से है कोरोना को, कोरोना भाग जा। और ये कविता मैं ब्रेल में पढ़ रहा हूं। अरे कोरोना घातकी कोरोना, तेरा कृत्य है इतना घिनौना, कि अब तू देख वही मानव बनाएगा तुझे अपने हाथ की कठपुतली और हाथ का खिलौना। रे अधम कोरोना जरा ठहर ठहर, कितना ढाएगा अपने जहर का कहर, हो रहा मनुष्य अब है तत्पर, टूट पड़ने को तुझ पर हर प्रहर। ज्ञात तुझे कुछ अपने भ्राता, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू रुबेला इबोला, टकराए मानव से जब वे
उनका क्या हुआ, भला कोई बोला? जो भी मानव से टकराए कर दिया उनका हाल बेहाल, वायरस मारे गए सभी करके उनका तुरंत हलाल। तू यदि उसको मिल जाएगा तो फिर कैसे बच पाएगा, जा 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 मारा जाएगा, नहीं तो पीछे पछताएगा। तू यदि उसको मिल जाएगा, जा जा भग जा मारा जाएगा, जा जा भग जा मर जाएगा, मनुज तुझे भी खा जाएगा, देख मनुज तुझे खा जाएगा। ललकार करोना को, करोना इसलिए जा जा जा। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो करोना आ नहीं पाएगा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। माँ सरस्वती की वंदना की है, उनके विषय में मैं कहना चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं आमन कविता जी मेरी आवाज सुन रही है? कविता जी, कविता जी मेरी आवाज सुन रही है? कविता बिश जी, कविता जी, कविता जी, सर शायद उनके माइक में कुछ गड़बड़ है। कविता जी, आप अगले कवि को बुलाइए, योगेश जी अगले कवि को बुलाइए। कविता जी आवाज आ रही है आपको? कविता जी आप आइए लाइन पर, फिर श्रीकांत जी आ रहे हैं। कविता जी, कविता जी आपको आवाज आ रही है? कविता जी लाइन पर नहीं आ पा रही है। मैं अभी मीटिंग में नहीं है वो सर। योगेश जी अपना माइक खोलिए। अग्रवाल जी किसी और कवि को इनवाइट कर लीजिए। श्रीकांत जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, श्रीकांत जी को। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद योगेश जी।
जी श्रीकांत जी आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। मेरा सभी से निवेदन है कि योगेश जी के अलावा बाकी सभी लोग पहले अपना माइक बंद कर लें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा निदेशक महोदय को और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, संयोजक श्रीमान मेरे बड़े भाई योगेश अग्रवाल जी, अनिल निगम जी को देख रहा हूँ, निगम साहब को, रोशन लाल अग्रवाल जी बड़े भाई, हमारे सब लोग बड़े अच्छे मूर्धन्य लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को देखता हूँ जिसने 100 से अधिक बार लगभग 125 बार रक्तदान के बहुत निकट है योगेश भाई योगेश अग्रवाल जी। और उन्होंने ऐसी अलग जगाई है कि सत्येंद्र शर्मा तरंग जी को भी अपने जैसा बेहतरीन कवि बना दिया है। मैं प्रणाम करता हूँ। कविता से शुरुआत करते हैं। एक गीत मेरा मन है, लेकिन कोरोना काल में हम कई बार नकारात्मक हो गए हैं। तो योगेश जी, भाई साहब, रोशन जी, आदरणीय निगम जी, तरंग जी, मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ के होनी को हो कर रहना है कौन सका है टाल, होनी को हो कर रहना है कौन सका है टाल, तीन लोक में सबसे ज्यादा ताकतवर है काल, तीन लोक में सबसे ज्यादा ताकतवर है काल। और बंद देखिए क्या है रोशन भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको के कोई कहता विधना उसको कोई कहे विधाता, कविता जी के कोई कहे विधाता, लेकिन उसकी करनी को कोई समझ नहीं है पाता, लेकिन उसकी कोई समझ नहीं है। एक पल राजा उसके कारण, ये कोरोना उसके कारण आया चला जाएगा, कि एक पल राजा उसके कारण दूजे पल कंगाल, तीन लोक में सबसे ज्यादा ताकतवर है काल। और आदरणीय, आइए आपको याद आपके बचपन की यात्रा कराता हूँ, आपको सकारात्मक संदेश देता हूँ। बचपन में पंचतंत्र सुना होगा, वहीं से कुछ पंक्तियां सुनाया के कछुए और खरगोश में बोलो कछुआ कैसे जीत गया, कछुए और खरगोश में बोलो कछुआ कैसे जीत गया, और नन्हे खरगोश के आगे सिंहराज क्यों बीत गया, और नन्हे खरगोश के आगे सिंहराज क्यों बीत गया। कहते हैं कि हम करते पर, कहते हैं कि हम करते पर, करता वो महाकाल, तीन लोक में सबसे ज्यादा ताकतवर है काल। और ये बंद में बड़े वरिष्ठ कवि, वरेण्य कवि, संस्कार भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री बड़े भाई आदरणीय रोशनलाल अग्रवाल जी के चरणों में रखता हूं। जुड़िएगा सर। के तुझसे ही रोशन दिखते ये सूरज चंदा तारे, तुझसे ही योगेशी भाई साहब, तुझसे ही रोशनते ये सूरज चंदा तारे, तेरे ही चरणों में नत है हम सारे के सारे, तेरे ही चरणों में नत है हम सारे के सारे, सब प्रश्न हर मुश्किल का हल है पगले, हर मुश्किल का हल है पगले, भ्रम ना पाल, तीन लोक में सबसे ज्यादा ताकतवर है काल। और अंतिम मंद, NIBH के निदेशक महोदय और सभी को, पूरी टीम को, आज की संयोजक समिति को प्रणाम करते हुए, अंतिम तीन पंक्तियां, कोरोना काल में बिल्कुल नकारात्मक मत होइए, हाथ धोइए, दो गज दूरी का पालन कीजिए, संगोचे का पालन कीजिए, अंगोछा, ये हमारे बुजुर्गों ने भी हमें सिखाया है, मैं भी अंगोछा पहनता हूँ, अंगोछा पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। अंतिम मंत्र सुनिए, जुड़िएगा सर। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना अज्ञानी, कर्म की इच्छा मत करना तू, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना अज्ञानी,
रावण से भी ताकतवर क्या, बोल जरा अभिमानी, रावण से भी ताकतवर क्या है, बोल जरा अभिमानी, धर्म की हानि मत करना। क्या संदेश देता है नाइवी अचम, धर्म की हानि मत करना तो कितना हो बेहाल, तीन लोक में सबसे ताकतवर है का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर ड्राइवर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रिय, बहुत सुंदर, बहुत। अब मैं कविता भेज के कविता भी जुड़नी पाई थी, कविता भी जुड़नी पाई थी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि आजकल कोरोना काल में सभी उपचार सब कुछ हो नहीं रहा है और बहुत हम लोग सभी परेशान हैं, तो इसमें हम लोग प्रभु को माँ को याद करते हैं। तो मैं चार पंक्तियां मुक्तक की माँ के श्री चरणों में निवेदित करती हूँ। कहती हूँ, शारिते माँ दुख में तुझको करीब में पाती हूँ, शारिते माँ दुख में तुझको करीब में पाती हूँ, माँ तुम करो कल्याण यही गुहार में लगाती हूँ, करोना काल में तुझसे विनती करती हूँ हरदम, विश्व के सुख शांति बसाने का आज गीत में गाती हूँ, गीत में गाती हूँ। और आगे मैं अपने काव्य पाठ को आगे ले जाना चाहूंगी, और मैं कहना चाहती हूँ उन्हें, उन सभी समाज सेवकों को, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, हमारे समाज सेवक, राजनेता, हमारे पत्रकार, पुलिस, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, मैं सदा उनकी नतमस्तक हूँ। और मैं अपने शब्दों में उनको सम्मान के रूप में उनको बोलना चाहती हूँ कि आप ही हैं जो आप लोग हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं इस कोरोना काल में। तो मैं कहती हूँ, राम की धरती पे जन्मी प्रेम की उपासक हूँ मैं, राम की धरती पे जन्मी प्रेम की उपासक हूँ मैं, संकल्प लेते करोना को मिटाने को। प्रेम की उपासक हूँ मैं, चंडी रूप धर के निकली विश्व युद्ध के प्रांगण में, चंडी रूप धर कर निकली विश्व युद्ध के प्रांगण में, घर में बैठी देती संदेश वायरस की भक्षक हूँ मैं, राम की धरती पे जन्मी प्रेम की उपासक हूँ मैं, कविता बैठे है घरों में कुछ भरसक प्रयास के वास्ते। हम सभी आज भरसक प्रयास के वास्ते घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन पे अभी भी ये सब चल रहा है। कविता बैठे है घरों में कुछ भरसक प्रयास के वास्ते, जन कल्याण के उपासकों के लिए सदा नतमस्तक हूँ मैं, सदा नतमस्तक हूँ मैं, सदा नतमस्तक हूँ मैं। मैं अभी कुछ पंक्तियां और अपने गजल के रखना चाहूंगी कोरोना काल की हालात में, सुनिएगा। कोरोना काल की हालात देखो साहब,
कोरोना काल के हालात देखो साहब, जीवन अभिशाप बन गया आज साहब, जीवन अभिशाप बन गया आज साहब। संकट काल में वीरान है उपवन यहाँ, संकट काल में वीरान है उपवन यहाँ, हरा रंग लाल हो रहा है आज साहब, हरा रंग लाल हो रहा है आज साहब। नफरत के बाजार में बेजार है जिंदगी, नफरत के बाजार में बेजार है जिंदगी, वायरस कर रहा है वार आज साहब, वायरस कर रहा है वार आज साहब। शोक की लहर देश को झकझोर है सभी जगह, शोक की लहर झकझोर रही है, राजनीति मुद्दा भी उछल रहा है आज साहब, राजनीति मुद्दा भी उछल रहा है आज साहब। उजड़ी जिंदगियां बेकसूरों की, उजड़ी जिंदगियां बे इस तरह इंसान अलविदा क्यों कह रहा है आज साहब, इंसान अलविदा क्यों कह रहा है आज साहब। कोरोना का कहर बरपा है अब की बरस, ये कोरोना का कहर बरपा है अब की बरस, दीपक बुझ रहा है देश का आज साहब, दीपक बुझ रहा है देश का आज साहब। हर तरफ चित्कार अपनों की है पुकार, हर तरफ चित्कार अपनों की है पुकार, लाल हुआ अखबार आज साहब, लाल हुआ अखबार आज साहब। विश्व युद्ध जैसी विडंबना देश में है यारो, विश्व युद्ध जैसी विडंबना देश में है यारो, आज साहब कवि का नाजुक हालात है आज साहब, कोरोना काल के हालात है देखो साहब, जीवन अभिशाप बन गया है आज साहब, आज साहब। और अपनी चार पंक्तियां अपनी मुक्तक की रख के मैं अलविदा कहना चाहूंगी, अपने वाणी को विराम दूंगी। संकल्प लेना चाहती हूँ और सभी को बोलना चाहती हूँ कि कोरोना को हराने का संकल्प लेना है, कोरोना को हराने का संकल्प लेना है, जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। माँ तेरे दरबार आज मन्नते मांगते हूँ, माँ तेरे दरबार में आज मन्नते मांगते हूँ, इस विश्व विपत्ति को मिटाने का संकल्प लेना है, संकल्प लेना है, संकल्प लेना है। इसी के साथ में आप सभी साहित्यकारों को और यहाँ पे सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जय शारदे माँ, जय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी, धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना और मुक्तक के साथ प्रस्तुत की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं भावना जी से अनुरोध कर हमारे राजकुमार सोनी जी को, राजकुमार सोनी जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये तात्कालिक कवि हैं, सुंदर से गीत ऐसे जो तरन्नुम में गाए जा सकते हैं, स्वयं लिखते हैं और बहुत अच्छे संगीत के अध्यापक हैं, गीत संगीत में महारत इन्होंने हासिल किया हुआ, हारमोनियम तबला हर प्रकार के वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, ऐसे राजकुमार सोनी जी स्वागत। राजकुमार सोनी भावना जी सुन रही हैं? हेलो सुन रही हैं भावना जी? राजकुमार सोनी जी लिंक पर आए, मैं तब तक आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में जो
राजकुमार सोनी जी लिंक पर आए तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नरेश सिंह नयाल जो हमारे यहाँ खेल के प्रशिक्षक हैं, देश विदेश में दिव्यांगजनों में आप खेल प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, अनेक लब्ध अलंकरणों से नवाजे जा चुके हैं, ऐसे श्री नरेश जी बिल्कुल काव्य रचना के लिए सादर आमंत्रण। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रज योगेश अग्रवाल सर, और मैं नमन करता हूं आज के काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि महोदय जी को, और नमन करता हूं NIPVD के निदेशक महोदय को जिन्होंने की ये सुंदर एक मौका एक सुंदर अवसर कहूँगा, और प्रणाम करता हूँ अपने संस्थान की माटी को और इस सुशोभित मंच को जहाँ बहुत बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। मैं चाहूँगा कि आपका आशीष मिले, और इससे पहले कि कविता की तरफ हम बढ़े जी धन्यवाद सत्येंद्र सर, इससे पहले कि मैं अपने कविता की तरफ जाऊं और मैं आपके सामने दो भाव रखना चाहता हूं। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं कोरोना काल में पढ़ी गई और कोरोना से रिलेटेड पढ़ी गई, और बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कहीं कहीं रुका भी है, अल्प विराम है पूर्ण विराम नहीं है, तो ऐसे ही कुछ दो भाव मैं आपके बीच रखता हूं और उसके बाद सीधे कविता की तरफ बढ़ूंगा। तो देखिए कि आज पुराना सामान देख रहा था उसी में खतों का सिलसिला मिला पर एक खत में मानो पूरा जमाना मिला। लिखा था माँ ने उसमें बेटा घर आने से पहले सरहदें सुरक्षित कराना। एक दूसरा भाव देखिए, जो आजकल सब कुछ थोड़ा बहुत बंद है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बंदिशें हैं, तो उस पर एक भाव रख रहा हूं आपके सामने, फिर कविता पाठ में आता हूं। कि ढूंढता है दिल आज फिर वही ठिकाना, ये मेरे शहर के बारे में है जहां भी जो लोग हैं, कि ढूंढता है दिल आज फिर वही ठिकाना, शहर में हुआ करता था जहां खुलासा मेरे यारों के संजीदा दिलों का वो स्थान। चरण स्पर्श है सारे श्रेष्ठ कवियों को मेरा, यहां पर आशीर्वाद रखिएगा। और अब मैं अपनी कविता की तरफ बढ़ता हूं। ये कविता कई भाव लिए हुए है, कोरोना काल में बहुत कुछ हो रहा है, मैंने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, तो उसी के सिलसिले में एक कविता आपके बीच रख रहा हूं, मैं प्रस्तुत करता हूं और सभी जो मंचासीन हैं, जो श्रेष्ठ कवि हैं, उनको समर्पित है। तो सुनिए, क्या हो रहा है न जाने क्यों पर लगता है वो आज खफा है शायद अपने किए पर शायद वो शर्मिंदा है। सोचता होगा मैंने इंसान को रचा था उसमें मानवता भरी थी, एक दूसरे के लिए ममता का आदर का, कविता जी के लिए कि ममता का आदर का भाव भरा था, पर कहां है वो किधर खो गया है, बार बार उसे जब रह रहकर ये ख्याल आया होगा तब उसने ये विनाशक सूक्ष्म रूप धरा पर लिया होगा, आप समझ सकते हैं मैं कहां जोड़ रहा हूं इसको। धन्यवाद। पर हमने भी तो कसर कहां कुछ छोड़ी है, प्रकृति का दोहन किया अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, स्वार्थ में लिप्त होकर पहाड़ों का कद छोटा किया, मन तब भी कहां माना, बड़ा बड़ा मतलब ये मन मानता नहीं है कभी भी,
कि मन तब भी कहां माना, फिर हमने नदियों के जल पर अपनी बेरहम निगाहें डाली, फिर हमने नदियों के जल पर अपनी बेरहम निगाहें डाली, चैन की रेत पर, चैन की रेत पर पसरा करती थी नदियां, चैन की रेत पर पसरा करती थी नदियां, हमने रेत ही हटा डाली, हमने रेत ही हटा डाली, इतना भी शायद वो सह लेता, इतना भी शायद वो सह लेता, अदृश्य असीम है माफ कर देता, अदृश्य असीम है माफ कर देता, फिर हमने उसके ही रूपों को, फिर हमने उसने उसके ही रूपों को अपनी ईर्ष्या का कारण बनाया, अपनी ईर्ष्या का कारण बनाया, धर्म और जाति के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर आपस में ही रंज फैलाया, आपस में ही रंज फैलाया, अब सब हदें पार कर दी, अब सब हदें पार कर उसने मुक्त जीवन को, समझिएगा कहां जा रहे हैं हम, किसी दूसरे राज्य में लेके जा रहा हूं आपको, कि अब सब हदें पार कर उसने मूक के जीवन को, अब सब हदें पार कर उसने मूक के जीवन को, और उसके भीतर पल रहे, और उसके भीतर पल रहे शावक को भी नष्ट किया, उस क्रूरता की हद हुई, क्रूरता की हद हुई अपने खेल के खातिर, उस बेजवान के जीवन के खेल से ही खिलवाड़ किया, उस बेजवान बेजुबान के जीवन के खेल से ही खिलवाड़ किया, अब भला कहो कैसे वो चुप रहता, अब भला कहो कैसे वो चुप रहता, बताओ और कितना सहता, बताओ और कितना सहता, अब बारी उसकी थी मानव पर भारी पड़ा, जंग में महामारी का दंश अपने चरम पर जाने लगा, स्थितियां बदल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अपने चरम पर जाने लगा, फिर भी न संभला इंसान तो तेज हवाओं का तूफान आया, अभी एम्फन आया, आपने देखा कि किस तरह से स्थितियां बदली, कि न संभला इंसान तो तेज हवाओं का तूफान आया, कहीं पानी से तरबतर कहीं गर्मी की मार पड़ी, किसी को लहरों ने झकझोरा कहीं आग ने उग्र रूप लिया, सबक तो सिखाना ही था, अब भी कहां सुधरा, 4 दिन निहारता है, ये हमारी फितरत है, ये इंसानी फितरत है कि 4 दिन निहारता है, वाह वाह कह के मात्र पुनः गर्त में डाल देता है, औकात भूल जाता है, फिर टक्कर लेना चाहता है, यूं ही हर बार बस व्यर्थ प्रयास करता ही रहता है, अहम को अपने औधे मुंह गिरने तक न जाने क्यों ये आजमाइश करता रहता है, वक्त है सुधर जा, अब एक चेतावनी है यहाँ पर, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आप सभी के बीच कुछ चेतावनी रख के जा रहा हूं मानव जाति के लिए, कि वक्त है सुधर जा जरा सा संभल जा, वक्त है सुधर जा जरा सा संभल जा, परिधि में रह अपनी मर्यादा की हदों को जान, तरंग सर जुड़िएगा, मर्यादा की हदों को जान, बची है जो मानवता जरा भी उसी को प्रयोग में ला, कोई जरूरी नहीं है बहुत कुछ करना है ना, मानवता जरा भी उसी को प्रयोग में ला, वरना वो दिन भी दूर नहीं सफाया होगा, इशारा समझ, रौब छोड़कर सौम्य बन, और मानवता को ही अपने हर कर्म में अब तू शामिल कर, और मानवता को ही अपने हर कर्म में अब तू शामिल कर, अंतिम तीन पंक्तियां, समय आ गया है, चेतावनी है, प्रश्नवाचक भी है कि समय आ गया है, बस अब संभल जा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। भावना जी मेरी आवाज तो सुन रही हैं? मैं राजकुमार सोनी जी शायद लिंक पर नहीं आ पा रहे हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड के किशोर कुमार, श्री पीयूष निगम, पीयूष निगम जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिन्होंने फिल्मी पैरोडी किसी गीत की उन्होंने तैयार करके कोशिश कर रहे हैं, श्री पीयूष निगम, पीयूष जी सभी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल अभी नहीं है, उनको भी मेरा नमन। माननीय रोशन लाल अग्रवाल जी मेरे बड़े भाई, माननीय प्रोफेसर नचिकेता राव जी, माननीय योगेश अग्रवाल जी जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, और वो इतने बेहतरीन इंसान हैं कि जहाँ भी जरूरत होती है किसी प्रकार का सामाजिक कार्य हो तो सबसे आगे अगर कोई खड़ा है तो वो योगेश अग्रवाल जी हैं। और अभी मेरे छोटे भाई बहुत प्रिय माननीय श्री श्रीकांत जी ने इतनी बेहतरीन अपनी कविता से हम सबको इतना रोमांचित कर दिया। मैं हास्य कवि, प्रसिद्ध हास्य कवि उत्तराखंड के श्री राजकुमार भंडारी जी की हल्द्वानी निवासी हैं ये, उनकी एक पैरोडी को मैंने अभी गाकर कोरोना के काल में लोगों को जागृत करने का एक प्रयास किया, उनको उनके अंदर थोड़ी सी जीवन लाने का प्रयास किया। तो मैं कोशिश करता हूँ सर, ये गीत है। छोड़ो भेद की बातें, मत भेद की बात पुरानी, कोरोना से लड़ने की हम सब ने है ठानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो भेद की बातें, मत भेद की बात पुरानी कि हम सब ने है ठानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। घर से बाहर जाने से मुंह मोड़ चुके हैं, हाथ मिलाना एक दूजे से छोड़ चुके हैं, साफ सफाई कर रखने का है आज जमाना, नई राह से हम भी खुद को जोड़ चुके हैं, नई उम्मीदें नई किरण है बिल्कुल नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ कोविड के खिलाफ अभियान चलाएं, डॉक्टर नर्स पुलिस वालों का मान बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग ही हो अब अपना नारा, रोग मुक्त अब पूरा हिंदुस्तान बनाए, बार बार हाथों को धोना याद रहे जुबानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। देखिए हमेशा हम लोग हर संघर्ष से हम जीते हैं, संघर्षों से हम निकले हैं आकर देखो, सबको धूल चटाई है टकरा कर देखो, कोरोना की कर देंगे हम, कोरोना की कर देंगे ऐसी की तैसी, मन को बस केवल मजबूत बना कर देखो, एक संकल्प है एक लक्ष्य है मुट्ठी सबने तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो भेद की बातें, मत भेद की बात पुरानी, कोरोना से लड़ने की हम सब ने है ठानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। योगेश भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोनाल जी, मैं दो चार छोटे छोटे मुक्तक के बाद अपने शिक्षाविद सरदार कमलवीर सिंह जग्गी जी को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा। लेकिन आज के इस कोरोना काल में जो हमारे यशस्वी प्रेरक निदेशक हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी कि हमें हम हंसकर के तो खुशियां हंसकर मनाते हैं, लेकिन दुख को भी जो दुख आएगा चला जाएगा को भी हम करके मनाए, ऐसा एक संदेश दिया। तो मैंने बहुत छोटे छोटे दो चार मुक्तक लिखे हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों पहली जून से आया पहला अनलॉक, मित्रों पहली जून से आया पहला अनलॉक, ताले सबके खुलने लगे, करें मॉर्निंग वॉक कर्तव्य से नाता काम पटरी पर आएगा, कुछ होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे और मोटर कार ये जितेंद्र जी की और अनिल शर्मा जी का माइक खुला हुआ है। सर माइक बंद करवाइए पहले। अनिल जी जितेंद्र जी, अनिल शर्मा और तरंग जी, और तरंग जी आप भी माइक तरंग जी का भी है, माइक को म्यूट कर लीजिए। मोटर कार और कारखाने हुए बंद, साफ हवाओं का ग्राफ चढ़ गया, कर्मी हमारे खराब थे, जो स्वच्छ हवा में भी चेहरे पर मास्क चढ़ गया। और मित्रों कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का सिद्धांत हम ऐसे निभाते हैं, आदतन अपने पर एहसान करने वालों से हम मीलों दूर चले जाते हैं। शरीर हमारा मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, अरे घमंड करें हम किस बात का, हम सभी तो किराएदार हैं। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो समझाता हूं, लगता है उम्र तो कम है मगर इम्तिहान बहुत है। विदेशों में बढ़ते मौत के ग्राफ है, दवाइयों का कोई असर नहीं, हम चढ़ा दिमाग पर मालिक का डर नहीं, सब कुछ मिल रहा है अपने देश में, फिर भी सब्र नहीं। मित्रों वर्षों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं। वतन से करो मोहब्बत, मुल्क की सरहदों की करो हिफाजत, स्वार्थ कम करते जाओ, खुद के और देश के स्वस्थ रखने का मित्रों फार्मूला यही है बस, चीनी कम करते जाओ, मनुष्य के लिए भी चीनी वस्तुएं कम। उमंगे हुई जमा हसरतों का ये दौर भी थम जाएगा, सुबह निकलने वाला सूरज भी शाम को कोरोना मुक्त सवेरा अवश्य आएगा
और दो छोटे छोटे मुक्तक और प्रस्तुत करके मैं वाणी को विराम कि अपने देश में को उतने कोरोना पॉजिटिव नहीं, अपने देश में उतने कोरोना पॉजिटिव नहीं और कोरोना के रोगी भी घट रहे हैं। मित्रों इस भावना का करें सम्मान या अपमान कि बहुत बड़ी संख्या में कोरोना वॉरियर के अवार्ड बट रहे हैं। हालात से निपटेंगे कैसे, हालात से निपटेंगे कैसे जब आमजन ही नहीं मुकाबिल है। मास्क तो हकीकत को छुपा रहे हैं मित्रों, सत्य है कि हम मुंह दिखाने के नहीं काबिल हैं, सत्य है कि हम मुंह दिखाने के नहीं काबिल हैं। और लास्ट कदम कदम तो चेहरा मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब ठान ही लिया है कोरोना को हराना है तो माकूल वैक्सीन का खजाना भी जरूर मिलेगा, माकूल वैक्सीन का खजाना भी जरूर मिलेगा। इंसान की अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत सी जिंदगी भी जंग हो जाती है, इंसानियत की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत सी जिंदगी भी जंग हो जाती है। हालात की गंभीरता को समझ लीजिए जनाब, जरा सी चूक से दुनिया ही बदरंग हो जाती है, जरा सी चूक से दुनिया ही बदरंग हो जाती है। कोरोना के लॉकडाउन में के जनाब, कोरोना के लॉकडाउन के जनाब सबने अपने अपने हिसाब से फायदे उठा लिए। आप कितने स्वीट और स्मार्ट हो जानू ये कहकर हमारे रोशनलाल जी की पत्नी ने सारे बर्तन मंगवा लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सरदार कमलवीर सिंह जग्गी जी जो शिक्षाविद है, ज्ञानी है और बहुत अनुभवी है, अनुशासक प्रशासक, बहुत ही हम सबके प्रेमी प्रेरक हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे सभी कवियों का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष और निदेशक महोदय का आभार ज्ञापित करेंगे सम्मानित कमलवीर सिंह जग्गी साहब। अवश्य अवश्य। मेरी आवाज आ रही है योगेश जी? बिल्कुल आपकी आवाज बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। वर्तमान समय में बदली हुई परिस्थितियों में बहुत कुछ बदल रहा है और आने वाले समय में वेब कवि सम्मेलन का भी अपना एक महत्व होगा, ऐसा हमें आज इसका एहसास हुआ। हालांकि कवियों के लिए तालियां तो अवश्य मिसिंग थीं और वो शायद एक उनको इसका कमी का आभास कुछ कुछ कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा, लेकिन हर बदली परिस्थिति में विकल्प अवश्य कुछ ना कुछ होते हैं। तो मनी मन मेरे ख्याल में सब लोग हर्षित हो रहे थे आपकी कविताएं सुन के और मनी मन बहुत प्रभावित भी हो रहे थे। और बदले हुए समय में कवि सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ने वाला है कि पुराने कुछ गीत मुझे की पंक्तियां मुझे याद आ रही थी जो अब थोड़ी थोड़ी इररेलेवेंट होती जाएंगी, जैसे दूर रहकर ना करो बात करीब आ जाओ, तो अब तो दूर ही रहना है। और दूसरी पंक्ति पास बैठो तबीयत बदल जाएगी, मौत भी आ रही हो तो टल जाएगी, ये सारी पंक्तियां कहीं ना कहीं आज के युग में अब उतनी रेलेवेंट नहीं है। खैर मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे निदेशक महोदय श्री नचिकेत राउत जी जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनते हैं और इस कवि सम्मेलन की प्रेरणा स्रोत वही रहे हैं। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे अपने डिपार्टमेंट के श्री राजपाल सिंह जी को जो इस कवि सम्मेलन के संयोजक भी हैं और बड़ी प्रभावशाली एक कविता, बड़ी मीनिंगफुल सार्थक कविता उन्होंने खुद भी सुनाई बड़े भावावेश में आके भाव के साथ, तो राजपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा योगेश जी का जो बहुत आगे रहकर सारी चीज को एक बड़े संयम के साथ और बड़े लगन के साथ चीजों को संभालते हैं। योगेश जी धन्यवाद। सहयोग रहा साथ में सतेंद्र जी का लगातार और सतेंद्र जी ने खुद भी एक कविता पढ़ी, सतेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा चंद्रवीर का जो दूर से हमारे साथ जुड़े, अनिल जी दूर से हमारे साथ जुड़े और इसके अलावा हमारे अपने एक छात्र जो विद्यालय मॉडल स्कूल के छात्र हैं जितेंद्र ड्रीमरी, वो भी इस कवि सम्मेलन में हमारे साथ जुड़े रहे।
जब पीछे हम कुछ दिन पहले एक स्टेज पर हमने कवि सम्मेलन किया था, तो उसमें मुझे याद है श्रीकांत जी मेरे पास ही बैठे थे और श्रीकांत जी ने आज भी कविता पाठ किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी ने जो पैरोडी सुनाई, गीत सुनाया, वो भी हमारा ध्यान आज की परिस्थितियों की ओर आकृष्ट करता है। बड़े स्वर में आपने गान किया। कविता सतीश बंसल जी की भी बहुत अच्छी थी। आप सब कवियों को, बहुत सारे कवि, शायद मैं कुछ नाम भूल भी जाऊंगा तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे कवि सम्मेलन में एक ही महिला थी। अगर मैं एक वाक्य बोलूं, कविता कविता सुनाओ, तो इसमें आप जरा अंदाजा लगाइए कि पहले मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया या भाववाचक संज्ञा का। तो ये दोनों ओर कविता कविता, कविता जी का धन्यवाद, कविता के लिए कविता जी का धन्यवाद। और साथ ही साथ में साथ में और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े, वो सभी लोग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे अपने लोगों में मैं देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, नरेश जी स्कूल में भी जब मैं था तो बहुत अच्छे अच्छी कविताएं सुनाया करते थे स्टेज पे। आज भी उन्होंने संदर्भ को जोड़ते हुए एक बहुत अच्छी कविता सुनाई। मेरा धन्यवाद पहुंचाइएगा जरूर राजकुमार जी को, जिनको हमने आज इनवाइट किया था। उनका एक गीत है कोरोना पर, जो यूट्यूब पर उन्होंने डाला हुआ है, तो हम चाहते थे कि आज वो यहाँ सुना देते, लेकिन किसी वजह से शायद हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। तो राजकुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा। उस गीत को आप लोग अगर यूट्यूब पे उनके नाम से ही एक चैनल है सुनने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी उन लोगों का जिन्होंने हमें तकनीकी समर्थन प्रदान किया, जो भावना और दीपक उपाध्याय की टीम है, हमारे साथ भी एक दीपक यहाँ बैठे हैं जो लगातार अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद। और मुझे एक चिंता थी योगेश जी को बार बार, हाँ डॉक्टर, डॉक्टर पंकज, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तकनीकी सपोर्ट के लिए डॉक्टर पंकज का हमेशा बहुत रोल रहता है। पिछले कुछ दिनों से जो हम जितने भी वेबिनार्स और वेब सम्मेलन करवा रहे हैं, वेब पोजियम्स करवा रहे हैं, उसमें पंकज जी अग्रणी भूमिका उनकी रहती है, तो वही लीड करते हैं इस चीज को, और तकनीकी सपोर्ट उनके बिना संभव नहीं है। तो पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मेरी चिंता योगेश जी से ये मैं व्यक्त कर रहा था बार बार कि कवि सम्मेलन है, अक्सर जितना हम टाइम निर्धारित करते हैं उसमें पूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन आज योगेश जी ने करके दिखाया। गिवन टाइम से कुछ ही समय हम आगे, ज्यादा 15-20 मिनट आगे ही गए हैं, लेकिन समय पर पूर्ण हुआ। तो हर चीज के लिए सबको एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जगदीश साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कह करके समापन की ओर जा रहा हूँ। कोरोना काल में कम हुआ प्रदूषण, वातावरण हुआ साफ, आज की इस कवि गोष्ठी में हुई हो कोई त्रुटि तो कर देना अपने योगेश अग्रवाल को माफ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कवियों का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का, निदेशक महोदय का, आर पी सिंह साहब संयोजक जी महोदय का, जग्गी साहब का आभार ज्ञापन करने का, कविता वृक्ष का, अनिल शर्मा जी, चंद्रवीर जी, जितेंद्र डिबरी जी, सभी का, नरेश न्यायाल जी, सत्येंद्र शर्मा जी, तरंग सब, बहुत बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत सुंदर आयोजन रहा, बहुत अच्छा संचालन रहा आपका। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काव्य पाठ रहा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।